हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाश्ता तड़का। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रवा वेजिटेबल इडली। मैंने वेजीज लिया है, यहाँ लिया है सूजी, मैंने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है दोस्तों। एक कप सूजी हम डाल देंगे इसमें, तो एक कप सूजी में मैंने लिया है यहाँ पर दही, एक कप से थोड़ा कम, थर्ड फोर्थ कप मैंने दही लिया है दोस्तों, इतना कर थोड़ा, एक कप से कम। इसको हम अच्छे तरह से ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ दही को। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने सूजी और दही को, इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से आपको। और मैं यहाँ पानी लिया है, मैंने एक कप का आधा कप पानी लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा हम लोग डालेंगे और मिक्स करेंगे, जितना लगेगा उतना हमें यूज करना है, थोड़ा थोड़ा यूज करके मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम बैटर जैसा बनाएंगे, थोड़ा सेमी थिक करना है हमें। तो दोस्तों पानी मिक्स कर दिया मैंने, इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से आपको बनाना है सेमी थिक, ऐसे बनेगा। आधा कप लिया था मैंने, उसमें से इतना बचा है, इतना सा बचा है मैंने, इतना बच गया है, वैसे हुआ है। तो दोस्तों बैटर तैयार है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे 10 मिनट के लिए दोस्तों। तब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा है, रेस्ट पे है, तब तक हम यहाँ पर वेजीज का तड़का बनाते हैं। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स लिया है, आप अपने पसंद का वेजिटेबल्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया शिमला मिर्ची लिया है, यहाँ मैंने लिया येल्लो वाला शिमला मिर्ची, यहाँ मैंने लिया है गाजर, यहाँ मैंने लिया ऑनियन, और तड़के के लिए लिया मैंने यहाँ पर या मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, या लिया चने का दाल 1 टीस्पून, उड़द दाल 1 टीस्पून, यहाँ लिया कड़ी पत्ता, और यहाँ लिया मैंने ग्रीन चिल्ली, मैंने 2 ऐड किया है, आपको जितना ज्यादा पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्राई करते हैं। कढ़ाई मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने, यहाँ मैंने ली होगी मस्टर्ड सीड्स, चना दाल, उड़द दाल, गैस लो रखी है दोस्तों, कड़ी पत्ता अच्छी अच्छा डाल लेंगे, इस तरह से थोड़ा होने दीजिए, अच्छी खुशबू आ रही है। हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, ऑनियन, कैप्सिकम, येलो बेल पेपर, गाजर, सारों को एक बार टॉस कर लेगी इस तरह से। 1 मिनट के लिए हमें गैस थोड़ा फुल रखेंगे, फिर थोड़ा चला लेना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है इसे, क्रिस्पी तक रखना है। अभी ग्रीन चिली ऐड कर देंगे इसमें, दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे वेजिटेबल्स मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, 4 टेबलस्पून वेजिटेबल है,
हो गया दोस्तों, अच्छी खुशबू आ रही है, गैस बंद कर देंगे। ऐसा रखना है आपको, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, एक दो मिनट चलाना है सिर्फ। इस तरह से हम उतार लेंगे गैस से, थोड़ा ठंडा होने दे दोस्तों, थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमारा वेजिटेबल्स ठंडा हो गया है कम्प्लीटली, हमारा बैटर देखते हैं अच्छा फूल गया है बैटर, 10 मिनट हो गए हैं तो बैटर अच्छी तरह से फूल गया है, देखिए इस तरह से। दोस्तों एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह फूल गई है हमारी सूजी का जो बैटर है, अच्छी तरह से हो चुका है। अच्छी तरह फेंट लेंगे इसे, अभी हम थोड़ा पानी देंगे इसमें, अभी थोड़ा ठीक हो गया है दोस्तों, सूजी फूल के थोड़ा ठीक हो चुका है। थोड़ा 2 चम्मच जैसा पानी देंगे हम इसमें ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। साथ ही 1 टीस्पून नमक दे रही हूँ मैं, स्वाद अनुसार नमक मैंने ऐड नहीं किया है वेजिटेबल में, मैंने इसमें ऐड किया है दोस्तों। ऐसे मिक्स कर लीजिए और अभी हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे हम इसमें, इस तरह से, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स को। दोस्तों और थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ मैं, 1 टेबलस्पून जैसा, उसको सेमी थिक बैटर बनाना है इस तरह से। तो दोस्तों बैटर तैयार है, इस तरह से कुछ होनी चाहिए, ऐसे सेमी थिक ये तैयार है। अभी हम ग्रीस कर लेते हैं प्लेट को, जिसमें बनाएंगे हम कुकर में बनाएंगे, तो कुकर में मैंने पानी चढ़ा दिया है इस तरह से, कुकर में बनाएंगे हम या हम लोग प्लेट में ग्रीस कर लेंगे, जिसमें बनाएंगे हम अच्छी तरह से ऑयलिंग ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से ऑयल लिया है मैंने, अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे इडली स्टैंड को। कुकर को आप प्रीहीट कर लीजिए दोस्तों, 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए, जब पानी बॉइल्ड होगा तब हम इडली इसे डालेंगे, इसमें बैटर डाल के। दोस्तों ये तैयार है बैटर, हम इसमें इनो डाल देंगे, इनो आपका सब इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, या मैं इनो डाल रही हूँ। इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो दोस्तों इसको पोर कर देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं इस तरह से, ज्यादा पोर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है पोर। इस तरह से सारे हम पोर कर देंगे, तो दोस्तों तैयार है। ये सारे प्लेट्स में इडली का बैटर डाल दिया है इस तरह से, अभी हम कुकर में डालेंगे, कुकर का पानी बॉइल्ड हो रहा है दोस्तों, जब बॉइल्ड होगा तब हम रखेंगे अंदर। इस तरह से लगा लिया स्टैंड में,
अभी हम लॉक कर लेंगे। तो दोस्तों तैयार है कुकर के अंदर जाने के लिए। इस तरह स्लोली आप डाल दीजिए अंदर। अभी हम इसे स्टीम करना है 6 से 7 मिनट मीडियम गैस में, मीडियम फ्लेम में हमें करना है इसे स्टीम। कुकर का ढक्कन लगा दिया है, हम सीटी निकाल लेंगे, मीडियम गैस कर देंगे। अब बीच में 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे हुआ है कि नहीं। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, 6 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बीच में 5 मिनट आपको, 5 मिनट के बाद आपको देखना है हो गया कि नहीं। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट पे चेक करेंगे एक बार हम। इडली तैयार नहीं है, हमें इसे और 5 मिनट करना होगा मीडियम गैस में। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया है, रावा इडली बन गया है, गैस बंद कर देंगे हम। इसे बाहर लेकर के ठंडा करने देंगे इसे, इसके बाद डीबोल्ट करेंगे इसे। दोस्तों इडली तैयार है कि मालूम करने के लिए हमने स्टिक लिया है, टूथपिक। इससे आप इस तरह से डाल के इस तरह चेक कर सकते हैं हो गया कि नहीं। अगर टूथपिक क्लीन आया है बाहर तो हो चुका है। दोस्तों ठंडा हो चुका है, अभी इसे प्लेटिंग करेंगे हम, इसे निकाल लेंगे मोल्ड से। तो दोस्तों इस तरह से छुरी या चम्मच से लेके आप डीबोल्ट कर सकते हैं। स्लोली आपको इस तरह से साइड के लेयर्स को इस तरह से निकाल लेना है, इस तरह से। बाकी ये लेयर्स को भी निकाल लेंगे इस तरह से। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी आप निकालिए। सारे हम ऐसे निकाल लेंगे। सारा नीचे निकल गया दोस्तों इस तरह से मैंने इडली निकाल ली है, रवा इडली। हम इस तरह चलने की दाल, चने की दाल का चटनी सर्व करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों तैयार है हमारा इंस्टेंट वेजिटेबल रावा इडली। बहुत जल्दी बन जाता है कुकर में, मुझे 10 मिनट लगे इसे बनाने को। मैंने चटनी का दाल की चटनी बनाई थी, वो सर्व किया मैंने। आपको जो पसंद है आप सर्व कर सकते हैं, मनपसंद चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। टोटल 15 इडली बने हैं दोस्तों ये बैटर में। दोस्तों अंदर से कितना सॉफ्ट हुआ है मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट हुआ है अंदर से देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जरूर बनाइए इसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी अगली रेसिपी के लिए। थैंक यू। Cut.